मैंने परमेश्वर से मांगा है, जैसे भवन को लेकर मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, मैं खुदावंद तेरे के लिए बहुत कुछ बोना चाहता हूं, मेरे पास है नहीं है। मैंने खुदा को कहा है, मैंने ये प्रार्थना की मुझे 5 लाख चाहिए तेरे भवन के लिए। वैसे तो मैंने आपको बताया मेरे अकाउंट में 1,86,000 या वो तो मैंने बो दिया, क्या कर दिया है, पर मैंने खुदा को कहा मुझे 5 लाख चाहिए, कहां से आना मुझे नहीं पता। और उससे मैंने कहा, फिर मैं उससे 5 लाख में 50 का अपना 20 अपना दशमांश निकालूंगा, जो 4.5 बचेगा उस 4.5 से फिर 50 का मैं तेरे घर में लंगर लगाऊंगा, फिर जो पैसे बचेंगे उन पे तेरे घर का जो सामान है, जो पर्दे पुराने हैं फटे हैं, वो जो बाकी जितने पैसे बनेंगे उसका वो ले आऊंगा, और जो 4 लाख बचेगा वो तेरे फिर भवन में दे दूंगा। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा मुझे लाखों दे और मैं लाखों बो, जहां सारी उम्र बैठे रहो फिर। कितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद मुझे लाखों दे और मैं लाखों दूं। यीशु मसीह का धन और तुम उस परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, दोनों की सेवा नहीं कर सकते, ना धन और परमेश्वर की सेवा नहीं, तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा। अगर तुम उसको चुन लोगे जिसने खरबों के हीरे खरबों का सोना इस धरती में डाला है, तो आपका रखा हुआ कभी भी घटेगा नहीं, आपकी आने वाली पुश्ते भी उसे खर्चे वो घटेगा नहीं। तो मैंने मांगा खुदा से, बोलो क्या, मैंने मांगा परमेश्वर से कि मुझे चाहिए और मैंने ऐसे बोना है, मैंने विनती की है, प्रार्थना की, बोलो क्या है, क्योंकि अगर उसने मुझे अपनी राज में बुलाया है, अपनी सच्चाई में बुलाया है, तो उसका वचन कहता है गुणों को प्रकट करो, तो यहां पे प्रकट करने की अब वारी है, तो मुझे आना चाहिए आगे के नहीं। वैसे मैं 1,80,000 तो आगे बो चुका हूं, मेरा जितना सोना मैं वो भी फिर दे चुका हूं, तो मुझे यहां पे खुदावंद के गुण को उसके प्रेम को प्रकट करना, क्योंकि आत्मा का पहला ही फल प्रेम है। कितनों को समझ आ रही है, बोलो क्या है, आत्मा का पहला ही फल प्रेम है। अब इससे पता चलेगा, ऐसे नहीं परमेश्वर आपको आपका उसको धन चाहिए पैसे चाहिए, पर पैसे से आपका प्रेम परखा जाएगा, क्या जाएगा, आपका प्रेम परखा जाएगा, परखा। ये नहीं है मैं जो गरीब हूं जी मेरे पास कुछ नहीं है, यीशु मसीह ने कहा इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया, उसके पास एक खोटी दमड़ी थी, तो यीशु मसीह ने उसके 20 को सराया, इसने सबसे ज्यादा दिया है, बोला क्या दिया है, इसने सबसे ज्यादा दिया है। और वो विधवा का दान लिखा स्वर्ग में लिखा गया, इस बाइबल में लिखा गया, और बाइबल में लिखा जिसके नाम इस बाइबल की पोथी में लिखे हुए मिलेंगे वही खुदा के राज के अधिकारी होंगे। ऊंचे वाला आमीन चाहिए, और आज तारीफ भी ऊंची चाहिए। मैंने कहा जिसके नाम लिखे, उस विधवा ने यह कर्म करके तो अपना नाम लिख दिया खुदा के वचन में, क्या लिख दिया, अब तुम भी लिख सकते हो, खुदावंद याद करेगा। कुर्नेलियस के उसने दान और प्रार्थनाओं को याद किया, एक दूत आ गया, आपके पास भी आएगा, क्योंकि आपने मन तैयार किया, आपका अकाउंट में कुछ नहीं, आप गरीब हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, पर मन तैयार कर लिया। कहता जब दान मन की तैयारी के अनुसार होता है तो स्वर्ग में कबूल भी होता है, आपके पास कुछ नहीं है पर आपने मन में ठान लिया, जाकर पढ़ना घर इस वचन को, 2 कुरिन्थियों 9 कहता जब दान मन की तैयारी के अनुसार होता है स्वर्ग में कबूल होता है, आपने ठान लिया आपके पास कुछ नहीं है, आप तो पहले कर्जे के नीचे हो, बोलो के आपकी तो पहले शत गिरने वाली है, तो आप खुदा को कह दोगे, क्या नाम है यहां पे जिन्होंने खुद अपना घर बेचारों का देखना कैसा है, क्या नाम है उनका बोलते हैं जिन्होंने 50,000 का 20 अभी बोया है, प्रदीप सिस्टर है ना, कौन है, क्या नाम है उनके परिवार से, कोई एक जना खड़े हो जाए, सुखविंदर उनके मदर का, ये देखो। तो मैंने आज ही सुबह, ऐसा कोई प्लान नहीं था, सुबह मैंने कहा मुझे उनके घर की, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने इस बच्ची को फोन किया, मुझे पता था उनका घर नहीं बना, क्योंकि कई बार बात हुई तो अभी मुझे पता बना नहीं है, तो मैंने सुबह फोन किया हूं उनके, जब मैं प्रार्थना से उठा तो मुझे उनके घर की पिक्चर चाहिए, वो दिखाओ पिक्चर इनके घर की,
ये देखो, ये जो साइड पे ना ऐसे लग रहा है कोई डिजाइन किया है इन्होंने, इकट्ठी कर दी है फोटो, अलग अलग दिखा दो तो ऐसे लग रहा है ये कोई डिजाइन किया हुआ है, नहीं है तो फिर मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे रखना, ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखो, पहले स्क्रीन पे जो वो वेड़े में बैठी हैं इनकी माता जी हैं, वो देखो इनके छोटे छोटे रूम हैं, ये जो साइड पे आपको नजर आना है ये शत्ते शत्ते, ये बालों की शत है, वो बीच में जो काला सा नजर आ रहा है वो गडर है और बालों की शत है, पुराना घर है। और देख लो दो कमरे हैं, बस सिंपल सा घर है। तो इन्हें क्या करना चाहिए अभी, इन्होंने तो 50,000 बो दिया, ठीक है ओके, तो इन्हें अपना बनाना चाहिए, अपने लिए इकट्ठा करना चाहिए कि दे देना चाहिए खुदा को। अब यहां पे परमेश्वर देख रहा है, बोलो क्या है। तो यहां पे वो मन ने जो एक विधवा के पास था, और जितनों ने भी ये किया है, जितनों ने भी ये सब लिखा जा रहा है स्वर्ग। मैं सच्ची कह रहा हूं, तुम क्या सोचते हो, ये सब लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। देखो अपना घर कैसा है, पानी भर जाता है इनके घर में भी, बेचारे निकालने में लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे नीमा है, पता नहीं मुझे जो घर है वो लगता ही 8-9 फुट की तो छत है लगती है उसकी, क्योंकि पहले लगता है इन्होंने और मिट्टी डाल डाल के थोड़ा बहुत किया है, किया ऐसा कुछ ना, आओ देखो कहते ऐसे ही किया है। छत पहले ऊंची थी, मुझे पता नहीं, मैंने बात नहीं की इनसी के ऐसे किया, पर मैं आत्मा में अनुभव कर रहा हूं कि जिस तरीके से इनका मकान नजर आ रहा है, इन्होंने और मिट्टी डाल डाल कर क्या कहते परती पा के पानी का लेवल क्या हो जाए, पर छत क्या होगी और नीचे होगी। तो इन्हें चाहिए था, पर खुदा के घर के लिए 50, बोलो क्या है, कहते देना है और दे दिया है। समझ आ गई है, अब ये काम सबको करना चाहिए। सुनो मैं ओके बैठ जाओ, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, सुनो ध्यान से, वचन कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप इधर उधर क्यों ध्यान लगाते हो, आशीष नहीं चाहते हो, कहता जो ध्यान मन की तैयारी के अनुसार, आपके पास कुछ नहीं, अब मेरे पास नहीं है तो मैंने खुदा को कहा मुझे चाहिए 5 चाहिए, आप भी बोलो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बोलो चाहिए, मुझे नहीं पता कहां से आएंगे पर आएंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता कहां से आएंगे पर आएंगे, आएंगे, मैंने कहा आएंगे। कितने चाहते हैं कि आए और मैं खुदा को दूं, अरे बुद्धि मानो, वो क्या कहते निर्बुद्धि हो क्या, तो मैं इसलिए निर्बुद्धि नहीं कहता, मैं गलत अंगीकार नहीं करता, तो मैं कह रहा हूं बुद्धि मानो, ठीक है। अरे तैयार करके देखो मन को, तुमने कौन से अपनी जेब से देने हैं, खुदा को बोलो, बोलो क्या है, बोलकर देखो। जी मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो अपने मन को तैयार कर लो, निकालो 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा, तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह है कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है, एक वर्ष के ना केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात में चाहने से प्रथम हूं, इसलिए अब मैं ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसे ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी के तैयारी हो तो दान उसके अनुसार घृण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। ये बात मैं आपको पढ़ाना, बोलो क्या है, ये नहीं कि जो उसके पास है जहां उसके पास, जो नहीं भी है, बोलो क्या है, जो उसके पास है या जो उसके पास नहीं भी है, अगर वो तैयारी के साथ है तो आपके पास कुछ नहीं है, पर अपने मन को तैयार कर लिया तो लिखा तैयारी के साथ किसे ग्रहण हो जाता है, तो ग्रहण का मतलब वो आपके पास आएगा। कितनों को समझ आ गया, मैंने कहा वो आपके पास आएगा, चाहते हो खुदावंद से, हाँ तो आज से ठान लो मैंने इतना देना है,
मैंने तो अभी पांच खुदा को कहा है, जो आगे मेरी चाहत है मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी मेरी पांच की चाहत है खुदा से कि मुझे पांच चाहिए। पांच के आगे आगे जो मैं मांग चुका हूं मैं आगे जाकर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या मांगा है। अभी तो मैंने 5 लाख की चाहत की है और मुझे पता है खुदावंद करेगा भी। आमीन।